सुप्रभात मान्यवर। वाराणसी में एक नए दिन की शुरुआत। इलिया भाई और मैं हम जा रहे हैं फिलहाल आपको एक नई जगह दिखाने के लिए। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं बस स्टैंड। हाँ, बस स्टॉप जा रहे हैं। वहाँ से हमारे नंबर 5 मिल जाएगी। 5 नंबर की बस मिलेगी। हाँ, 5 नंबर में जाना है। वो बड़ी अच्छी बस है। आज क्या है, आज रविवार है जी, तो बस में भीड़ ना के बराबर है। वाह क्या बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सीट मिल सकती है। रविवार का दिन है तो भीड़ यहाँ पे भी हमारे देश की तरह ही कम रहेगी। आज सुबह सुबह इतनी भीड़ रहती है कि बैठने की कहा खड़े होने की जगह नहीं मिलती। हाँ, सुबह जब ऑफिस टाइम होता तब यहाँ पे भी वही सेम हिसाब है। आपको बता दूँ, वाराणसी में मेट्रो सिस्टम नहीं है। मेट्रो सिस्टम मुझे लगता है यहाँ पे बहुत कम जो शहर है वहाँ पे होंगे। नोवोसिबिर्स्क में है। ओम्स्क, नोवोसिबिर्स्क, रोस्तोव, अच्छा, बहुत सारे शहरों में। अच्छा, वाराणसी में नहीं है। बेलगोरोड में नहीं है। बेलगोरोड बहुत छोटा है। वोल्गोग्राद में पता है क्या है, जो ट्रम है ये जमीन दोस्त ट्रम है। अच्छा, ये जो मेट्रो है लेकिन वहाँ मेट्रो की बजाय जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, वहाँ साधारण ट्रम है। साधारण ट्रेन है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन भी नहीं है। यहाँ ट्रेन था वो 2009 में, इसने अपने अंतिम सांस ली थी। अंतिम सांस ली थी। यहाँ पे ट्रेम थी लेकिन 2009 में उसने अपनी अंतिम सांस ली और अब वो स्वर्गवासी हो चुकी है। लेकिन बरोनिश का ये जो ट्रेन सिस्टम था बहुत जबरदस्त था। अच्छा, वजह ये है कि यहाँ की जो सड़कें बहुत चौड़े हैं ना, चौड़ी हैं। बहुत चौड़े हैं अभी है और पहले सकरी थी। तो चौड़ी कैसे बने हैं कि ये जो ट्रेम का रास्ता था पथरिया, इनको हटाया गया। ट्रेम हटाने के बाद फिर जो स्पेस खुला उसमें आज के डेट में रोड है। आज मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ जो ट्रेम थी बहुत धीमी थी। अच्छा, बहुत धीमी थी। अच्छा, कचोए की तरह। अच्छा, और ये है रूसी बच्चे अपनी माताओं के साथ में जाते हुए सुबह सुबह। ट्रॉली बस में आंटी बस चलाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है महिलाएं बस बहुत चलाती हैं। इलिया भाई कॉफ़ी पीना चाहते हैं और ये कॉफ़ी 2021 में थी 60 रूबल की और 60 का और 6 का हो गया 9, अब हो गई 90 रूबल की। वो ये ना, कौन सी तुम कौन सी पियोगे? कैपुचिनो। ये है जी कॉफ़ी। कभी ये मिलती थी यहाँ पे 60 रूबल में। मुझे बड़ी पसंद है यहाँ की कॉफ़ी, लेकिन अफसोस की बात अब हो गई है 90 रूबल की। हमारे को एक कप और मिल सकता था एक्स्ट्रा, है ना, इस प्राइस में। लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिएगा खूबसूरत वाराणसी, ज़बरदस्त। चीनी डालना भूल गए। चीनी तो है इसमें नहीं है। कॉफ़ी पीने तो आ गया, कॉफ़ी भी है। ये रे, ये इलिया भाई का, ये मेरा है। समस्या ये है, इसमें चीनी
बिल्कुल नहीं थी, जैसा कि रूस में होता है। हम ठहरे भारतीय, हमें है मीठा पीने की आदत। तो जब मैंने सिप मारा तो देखा, अरे ये तो पूरी तरह से फीकी है, अब मुझे थोड़ी सी चीनी तो चाहिए। तो इलिया भाई ने बोला ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ दोबारा से और वहाँ से चीनी लेके आता हूँ। जो लोग भी इस बात को नहीं जानते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, रूस में आपको सब फीका फीका मिलेगा, खाना फीका, चाय फीकी, कॉफ़ी फीकी, सब फीका। आपको अपने हिसाब से इसमें चीनी ऐड करनी है कॉफ़ी या चाय में, खाने में आपको नमक ऐड करना है। दरअसल मैंने राजमा बनाई थी तो राजमा में डाला था नमक, और नमक भी कितना, जो साधारण हम लोग नमक खाते हैं। इलिया भाई को भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये भारत में रहे हुए हैं, लेकिन इनकी मम्मी को उसमें बहुत ज़्यादा नमक लगा कि अरे तुम तो सिर्फ नमक ही नमक खा रहे हो। खैर ये अलग अलग देशों का टेस्ट है, अलग अलग लोगों का टेस्ट है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी आपको मौका मिले रूस आने का तो आपको चीनी अलग से मांगनी है कॉफ़ी शॉप पे। और इलिया भाई ये चीनी लेके आ गए। हाँ थैंक यू, क्या बात है। चार ये देखिए, ये चार पैकेट लेके आए हैं। अब मैं बारी बारी से डालूंगा इनको। और ये आपका वाला है। चलिए ठीक है जी, अब पहले चीनी ऐड करता हूँ। ये गया जी एक पैकेट, ये गया जी दूसरा पैकेट, एक मिनट टेस्ट करूं। ठीक है, अब ठीक हुआ। तो ये है जी मेरा कूड़ा जो मैंने यहाँ गैदर किया है, इसको मुझे फेंकना है डस्टबिन में। ये रहा पास में ही है। गंदगी नहीं फैलाते। चलें जी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। ये देखिए मैकड़ी के साथ में क्या किया गया है। पीछे इसके एम है उसको उल्टा कर दिया, मतलब फेंका नहीं उसको, क्योंकि रूस में जो मैकड़ी वगैरह है वो बंद हो चुके हैं, यहाँ से चले गए हैं, तो इन्होंने उसका पूरा हिसाब किताब कर दिया। पर ये मैंने बहुत जगह देखा ये वाला ब्रांड, इन्होंने मैकडी के एम को लिटरली साफ पता चल रहा है कि मैकडी के एम को उल्टा कर दिया है। तो बन गया शोरमा, और इसका नाम रख दिया शोरमा। क्या बात है। आज जो है संडे का दिन है, तो यहाँ पे जो बहुत कम लोग हैं आपको सड़कों में नजर आएंगे। इलिया भाई के हिसाब से सैटरडे संडे को लोग यहाँ दाचा चले जाते हैं। दाचा होता है, मतलब घर पे रहते हैं। अच्छा, दाचा होता है जो गांव होता है दरअसल। तो बस, तो आज तो मौसम सुहावना है और कुछ लोग तो शहर में घूमते हैं। अच्छा। मगर लोग शाम को शहर आ जाते हैं घूमने। अच्छा, शाम को शहर आएंगे। जो वो दाचा गए हुए हैं, हाँ? यानी कि अपने गांव गए हुए हैं, वो हाँ? कब आएंगे? शाम को आएंगे या कल सुबह आएंगे। कल सुबह। अच्छा, मतलब हर शनिवार रविवार को लोग ऐसे चले जाते हैं। मौसम अच्छा है ना। हाँ हाँ। तो जिनके पास गांव का घर है तो अंदर रहने की क्या इतनी ज़रूरत है। हाँ ये भी सही। और मौसम भी सुहावना है। हाँ। अच्छा, रूस में जैसे हमारे भारत में भी कई हमारे भी गांव होते हैं, हम भी शहरों में रहते हैं, लेकिन हमारा एक गांव है। लेकिन हमारा गांव तो खैर अलग अलग दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि हर शहर के पास में, यानी कि जो शहर का बाहरी जो ग्रामीण इलाका होता है, वहाँ पर दाचा ये लोग बोलते हैं और वहाँ पर लोग रहते हैं। यानी कि एक घर होगा शहर में और दूसरा होगा गांव में। गांव का जो माहौल होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, वहाँ पे सब्जियाँ उगा सकते हैं। गर्मियों में ये लोग जो है दाचा में ही जाना पसंद करते हैं। कल मुझे इलिया भाई बता रहे थे कि जो खास करके बुज़ुर्ग लोग हैं वो
दाचा में रहते हैं अप्रैल से लेके नवंबर तक। हाँ नवंबर तक, अप्रैल से लेके वो लोग रहते हैं नवंबर तक दाचा में। और उसके बाद क्योंकि जब ठंड बढ़ जाती है, बर्फ पड़ जाती है, उसके बाद वो आ जाते हैं शहर में वापस। और शहर में उनको ऑब्वियसली क्योंकि बर्फ़ की वजह से रहना पड़ता है, यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं। लेकिन फिर वो उसके बाद जैसे ही मार्च दोबारा से आता है, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं दाचा अपने। यहाँ कुछ दिन पहले, दो महीने पहले यहाँ एक हादसा हुआ कि यूक्रेन से जो मिसाइल गिरता है ना, जो यूक्रेन मिसाइल गिराता है यहाँ उस पर, तो एक ऐसे ड्रोन था जो इसी बिल्डिंग से टकरा गया था। इस वाली बिल्डिंग से? हाँ, वो टकरा गया। हाँ ये लो जी। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या हुआ, भला है कि किसी की जान नहीं गई। ये जो हादसा वो जल्ले में नहीं था। अच्छा। फिर भी जो हमारा पूरा ये जो घंटाघर है, मीनार है, वो हिल गया। तो लोग डरे हुए थे और सभी को लगा कि ये जो मिसाइल वो तो यहाँ तक आ गया, गिर गया। तो अच्छा, आप ये दिखाता हूँ कि ये कहाँ था। बस तो यहाँ मैं बना है कि मैं इस दिन नहीं आया। अच्छा, उस दिन आप यहाँ नहीं थे? मैं हाँ इस दिन नहीं आया। बस दरअसल ये सामने हमारे इलिया भाई की चर्च आ गई है। ये दरअसल यहाँ पे काम करते हैं। तो ये जिस दिन वो मिसाइल अटैक हुआ उस दिन ये यहाँ पे नहीं थे। हाँ, तो ये वही जो किट किया है वो। अच्छा। हाँ, ये तो ओहो दिखाई देता। हाँ क्या बात है। हाँ, खिड़कियाँ जो नई लगाई हैं काले कलर की ना। हाँ, ये आप शीशे में देख रहे होंगे कि जो बाकी खिड़कियाँ वो अलग हैं और खिड़कियाँ काले कलर की हैं। उस पे जाके वो मिसाइल गिरी थी। मिसाइल क्या, वो छोटे छोटे रॉकेट्स से होंगे शायद से, जो ड्रोन से डाले गए थे। हाँ, और अब हमारा जो कार्यक्रम है वही तक चढ़ने का, यानी अभी घर तक। इलिया भाई मुझे ले जा रहे हैं अपनी जो चर्च है उसके टॉप पे, जो घंटा घर है ऊपर वहाँ पे। ज़िंदगी की मैं पहली बार जो है किसी चर्च के घंटा घर तक जाऊँगा। अच्छा, ये घंटे कब कब बजाए जाते हैं? ये तो नहीं, हमारे यहाँ बजाने के लिए कोई नहीं है। अच्छा, तो कौन बजाता है? तो यहाँ जो महिला एक ऐसी है ना जो गाती है, तो उसको कभी कभी तो चढ़ाया जाता है। अच्छा, इसकी कोई खास जरूरत नहीं। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वहाँ मुझे जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे कोई डस्टबिन है? Поэтому я вчера и не пришел вечером, потому что... चलो जी। ये देखो, ये जो घंटाघर है वो 1770 है ना, 1770। और यहाँ की ये जो सीढ़ियाँ है वे भी इतनी ही पुरानी है। और ये जो ईद है, देखो लोग पहले, इंसान पहले सफेद रंग का ईद जाता था। हाँ। तो ये जो ईद का ये जो प्राकृतिक रंग है, ये दरअसल यहाँ 17वीं शताब्दी की चर्च है। और है यहाँ बहुत ज्यादा तंग है, यहाँ का संकरा है रास्ता है। और ओहो, यहाँ पे तो बहुत सारे मुझे लगता है पक्षी आए हुए हैं, बहुत सारी बीट हुई हुई है। हा? बहुत सारे पक्षी आए हुए हैं बहुत। ये यहाँ है शहर भी। पहली बार किसी चर्च के घंटा
घर पे जाने का मौका मिला। ये ही है, आप देखो। ये दरअसल वरोनिश कितना सुंदर हो सकता है। तो ये हमारे सामने वरोनिश का गौरव है, वरोनिश सागर। ये है जी सामने वरोनिश का जो वाटर रिजर्वेयर है। और ये जो हमारे नीचे जो गली है, ये वरोनिश के सबसे बोला पुरानी गली है। और ये गली प्रथम को भी जानती है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। अभी हम वरोनिश के रह के बिल्कुल की बीच में है। अच्छा, हम हाँ, बिल्कुल वरोनिश के ठीक बीच में है। हाँ, वरोनिश किला जो किला हाँ। और ये है जी वो जो बेल जो आप लोगों को सुनाई देती है चर्च में, और एक तो बहुत ही बड़ा है यहाँ बीच में टंगा हुआ। ये है चर्च के असली बेल्स। अच्छा, इसको बजाने के एक और तरीका है। वो बहुत तरीके हैं। ये एक मिनट में दिखाता हूँ। ये पेडल से बनाए हुए हैं, पेडल से बनाए हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए मुझे इसको बजाना है तो मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ से। हाँ, प्रेस करूँगा तो इसमें एक ये डोरी सी है। हाँ, जो यहाँ पे जुड़ी हुई है और यहाँ से जुड़ी हुई है उस वाले बेल से। और ठीक ऐसे ही ये वाला जो पेडल है इसकी डोरी ये जुड़ी हुई है बड़ी वाली बेल से। तो अलग अलग तरह की जो बेल हैं उसको बजाने के लिए प्रेस करना है सिर्फ। ज़बरदस्त टेक्निक। रोब है, देखिए ये जो गिरजाघर है वो भी 250 साल पुराना है। और अब मैंने बताया था आपको पिछले बार कि इन सभी गिरजाघरों के बीच में एक ऐसा जमींदोज क्या था, सुरंग बनाया। सुरंग अच्छा, बनाया। ठीक, दरअसल इनको जो आपस में जो जोड़ने के लिए है वो ज़मीन के नीचे से सुरंग बनी हुई है। दरअसल रूस में भी जो आक्रमणकारी थे, बाहर के जो इन्वेडर्स थे, उनसे बचने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया गया था। कि जो बाहर के आतंक जो आक्रमणकारी आते थे, इन्वेडर्स आते थे, तो उनको एक वीडियो में मैंने बताया है, इलिया भाई ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे उनको नीचे बेसमेंट में जाके, यानी कि नीचे इसमें टनल्स बनी हुई हैं, वहाँ पे कैसे उनको धोया जाता था। और देखो इस तरफ से कैथोलिक्स आते थे, ओके, और इस तरफ से मुसलमान आते थे। अच्छा, ये जो क्योंकि ये जो जल संग्रह है ना, तो उस पर वही क्या है खानाबदोश का राज शुरू हुआ था। अच्छा, वो लोग यानी कि जल के रास्ते आते थे। हाँ, अच्छा, क्योंकि ये जो रूस था ये इसकी सीमा थी, सीमा, तो यहाँ से पोलिश थे और यहाँ से तुर्की। अच्छा, तो अच्छा। एक बार पोलिश ने वरोनिश को जलाया। अच्छा, हाँ, मगर अब क्या है वरोनिश का हाल कितना बुरा हो गया। देखिए वरोनिश सच में बदनाम हो गया। इतना खूबसूरत शहर था 20 साल पहले, वो भी काफ़ी खूबसूरत था। और अब क्या है जो ऐतिहासिक केंद्र है इसके बिल्कुल बीचों बीच में इतनी कुरूब बदसूरत इमारतें क्या है बनवाए जाते हैं, निर्मित होते हैं। तो इलिया भाई को यानी कि जो नई इमारतें बन रही हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे भी सच में जो आर्किटेक्चर पुराना था उसकी एक अलग बात थी। आज की डेट में जो ये बिल्डिंग्स बन रही हैं बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ग्लास वाली, इनमें वो खूबसूरती नहीं है जो पुरानी बिल्डिंग्स में होती थी। तो ये बात कहीं ना कहीं सच में मानने वाली है। मुझे भी पसंद नहीं है ये नई बिल्डिंग्स। रूस में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत पुरानी है। कोई 1890 की है, कोई 1857 की है, कोई 1841 की है, और लेकिन आज तक वो ऐसी रखी हुई है। बाहर से देखने में आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा नई है, इतनी पुरानी नहीं है जितना बताया जाता है। रूस में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, खास करके जो चर्चेज़ हैं इनकी, वो तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। जैसे आपने देखा सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को, वहाँ पे भी बहुत पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। तो ठीक वैसे ही ये जो चर्च है ये भी बहुत पुरानी है। आप देखिएगा जो घंटा जिसमें टंगा हुआ है ये लकड़ी कितनी ज़्यादा पुरानी होगी, ये आप देखिएगा। ऊपर लकड़ी में दरअसल ऐसे करके लकड़ी लगाई गई है। और ये वाली जो है ये बड़ा सा घंटा है, इसको भी सेम ऐसे ही दो लकड़ियाँ, एक ऐसे है ये प्लस का टाइप का निशान है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है पुरानी लग रही है। उतरने के लिए ये जो जगह है सच में बहुत ख़तरनाक है,
जो सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल एकदम ऐसे स्टीप है नीचे की तरफ। Преславные просения престолу предстоящего Вседержителя, призри на нас любовью память.